मसूरी में हर्षोल्लास और पारंपरिक तरीके से हरतालिका तीज उत्सव मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। पूरे भारत में तीज पर्व की धूम है और उत्तराखंड में इसका अपना अलग ही महत्व है। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में श्री राधाकृष्ण मंदिर सभागार में हरतालिका तीज उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने श्रृंगार कर नेपाली गानों पर नृत्य किया। सर, ये शिव जी का बहुत बड़ा पूजा होता है हमारा, तो ये जैसे यहाँ का करवा चौथ होता है वैसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है। थोड़ा सा मतलब हमारा लुक वगैरह से पहनने का ढंग वो थोड़ा अलग होता है, बाकी सब करवा चौथ की जैसा होता है हमारा ना। इसमें मेहंदी लगती है, चूड़ियाँ पहना जाता है, सिंदूर मंगलसूत्र ये मेन होता है। ये सबसे बड़ा शिव जी का पूजा होता है ये ना। फिर उसके बाद अपने पति का, जैसे हमारे में बोलते हैं स्वामी जी, स्वामी जी का पूजा होता है। हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी साल हो गए, तो मतलब जैसे सब लोग मनाते हैं करवा चौथ का व्रत, तो हम तीज का व्रत मनाते हैं, तो हमारे लिए उसमें बहुत ही खास माना जाता है व्रत को। तो जैसे मतलब सज धजना हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है इस दिन का, कि मतलब कब आएगा ये त्यौहार। तो जैसे मतलब आज आ ही गया आखिर में, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनवाया है। हमारे यहाँ नेपाल में जैसे मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले से ही ये त्यौहार मनाने लगते हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि हमारे पर्व आपसी मेल और भाईचारे का संदेश देते हैं। ये पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, बस पर्व मनाने का तरीका अलग अलग होता है। इस पर्व में हमने कई सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। ये त्यौहार है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, इसका महत्व अलग अलग है। मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग है, उत्तराखंड में खासकर नेपाल के जुड़े हुए लोगों के साथ गुरुभारी लोगों समाज का ये हरतालिका तीज कार्यक्रम अलग तरीके से मनाया जाता है। हम हर वर्ष इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इस वर्ष भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। नेपाली गुरुभारी समाज के समस्त लोगों के साथ साथ हमारे मसूरी के नागरिक भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन है। यहाँ पर नृत्य है, गायन प्रतियोगिता है, लकी ड्रॉ है, LED टेलीविजन का मुफ्त उपहार है 32 इंच का, 14 इनाम है, साथ साथ सबके लिए दिन का भोजन है, शाम की चाय है। और इसी प्रकार से हम कार्यक्रम को एक भव्य रूप देना चाहते हैं, जिससे हर त्यौहार मसूरी का हर एक नागरिक मिलजुल के प्यार के उत्सव में मनाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।